हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जोजस स्टडी। मैं हूं ज्योति गुप्ता। मैं लेकर आई हूं सेवेंथ क्लास की मैथ्स है, ठीक है। सिक्स क्लास का तो कोर्स ही पूरा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन जो है वो हमारा सिक्स वाला है, ठीक है। तो मैं सेवेंथ क्लास की मैथ्स लेके आई हूँ और क्वेश्चन नंबर हमारा सिक्स है। ये कह रहा है इन व्यंजकों को सरल कीजिए तथा इनके मान ज्ञात कीजिए जब एक्स का मान दो है, ठीक है। तो इस बार हमें एक्स का मान जो है इन्होंने दो देकर रखा है। चार क्वेश्चन दिए गए हैं, इसमें देख लेते हैं। चार ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले बता दें यहाँ से साइंस और टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना। तो क्वेश्चन नंबर जो है वो है हमारा छठा, ठीक है। छठे का ये कौन सा क्वेश्चन है? पहला पार्ट। पहले पार्ट लिखने से पहले हम यहाँ पे इन्होंने जो वैल्यू दी है एक्स की, ठीक है, वो लिख लेते हैं। एक्स बराबर दो इन्होंने वैल्यू दी है। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन करेंगे। ये है एक्स प्लस सेवन प्लस फोर इंटू एक्स माइनस फाइव, ठीक है। तो क्या करना है हमको, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है एक्स बराबर दो रख के, ठीक है। तो चलिए करते हैं। चाहे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख लीजिए फिर सॉल्व करिए, चाहे तो इस इक्वेशन को ही, मतलब ये जो हमारा व्यंजक दिया गया है इसको सॉल्व करिए फिर हमारी वैल्यू रख दें। तो इसको तो हम डायरेक्ट अभी रख के बताते हैं, फिर अगला जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये हमारा एक्स था, एक्स का मान हमारा दो है, सात रख लिया प्लस चार भी लिख लिया, और यहाँ पे एक्स बराबर दो माइनस पाँच हो गया, ठीक है। हमने एक्स का मान जो है वो रख दिया, और यहाँ पे ये लिख लेना, यार मैं लिखना भूल गई, एक्स बराबर दो रखने पर, ठीक है, रखने पर यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये लाइन जो है लिख लेना है एक्स बराबर दो रखने पर, ठीक है। तो ये हमारा दो और सात क्या हुआ? सबसे पहले आप सोच रहे होंगे ब्रैकेट तो सॉल्व किए जाएगा, बोर्ड मास का नियम यही है। हाँ भाई, आपको ये नहीं बताया, लाइव क्लास होती है डेली हमारी 8 बजे, ठीक है। वहाँ पर बहुत सारी प्रैक्टिस कराते हैं, मैथ्स की डेली होती है 1 से 1.5 घंटा, ठीक है। वहाँ पर डेली मतलब बिल्कुल कंटिन्यू क्लास होती है, तो आना मत भूलिएगा, ठीक है। ये और हम यहाँ पे जोड़ लेते हैं, ठीक है। ये हमारा अलग पार्ट है ना, इसको हम जोड़ सकते हैं। अब हम यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं ब्रैकेट को पहले सॉल्व करें, वैसे हमारा ब्रैकेट ही पहले सॉल्व होता है, पर ये हमारे प्लस में है, ठीक है। तो प्लस में है और इनका लेना देना इनसे है नहीं यहाँ पर, तो हम इनको अलग से सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा 9 आ जाएगा और प्लस 4, ये नहीं कर सकते कि 7 और 4 को जोड़ दें, 4 के बाद यहाँ पर गुणा है, तो गुणा जो होती है वो पहले होती है ना, इसलिए। और ये हमारा क्या आ जाएगा, घट के क्या आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। 5 में से 2 गया 3, 5 बड़ा था इसलिए माइनस का आ गया, ठीक है। अब 9 प्लस 4 3 12 हुआ, और माइनस और प्लस की गुणा हमारी यहाँ पे क्या हुई, माइनस हुई। अभी हमारे प्लस माइनस है तो घट जाएंगे, घट के हमारा 3 बचेगा, पर 12 है बड़ा और इसके पास है माइनस, तो हमारा हो गया माइनस का 3 आंसर, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। छठवे का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हमारा आ गया है। अब हम करेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। तो दूसरा क्वेश्चन जो है वो हमारा क्या है, ये है हमारा 3x + 2 + 5x - 7, ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, दूसरा। अब इसको जैसे कि हमने डायरेक्ट ही एक्स सबसे पहले से, मतलब शुरुआत से ही एक्स का मान रख दिया, अब इसको पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। दो तरीके हैं इसको सॉल्व करने के, इसको पहले सॉल्व करेंगे, जो हमारा लास्ट में आएगा उसमें हम मान रख देंगे। जैसे सॉल्व कैसे करेंगे, 3 की x से गुणा 3x हुआ, और 3 की 2 से गुणा, 3 × 6 हुआ, जो तुम्हारा बाहर होता है ब्रैकेट के उसकी गुणा ब्रैकेट के अंदर जितने भी हमारे अंक लिखे हों, जितनी भी संख्याएं लिखी हों, जितने भी हमारे चार अचर लिखे हों, सब से गुणा होती है, ठीक है। अब हमारा 5x था लिख लिया, -7 था लिख लिया, अब ये हमारा 3x प्लस का, ये प्लस का, 5x तो मिलकर हमारे हो गया दोनों 8x, ठीक है, दोनों प्लस के थे तो जुड़ गए। ये हमारा प्लस का, ये माइनस का, तो घट जाएगा, घट के हमारा 1 बचेगा, 7 हमारा बड़ा है और इसके पास माइनस है, तो माइनस का ये आ जाएगा। इस तरीके से 8x माइनस का 1 आया। अब हम यहाँ पर एक्स का मान रखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे एक्स बराबर 2 रखने पर, ठीक है, ये लिख देंगे x बराबर 2 रखने पर। अब हम x बराबर 2 रख देंगे तो हमारा ये वैल्यू जो आ जाएगी 8 × 2 - 1, 8 × 2 = 16 - 1, तो हो गया हमारा ये 15, 16 बड़ा था इसलिए हमारा प्लस का आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा क्वेश्चन भी लग गया। अब है हमारा तीसरा क्वेश्चन, ठीक है, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे करा दे रहे हैं।
तो यहाँ पे जगह है हमारी, तो यहाँ पे कर लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 6x और प्लस 5x माइनस 2, ठीक है, ये है हमारा क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, इसकी तरह कर लेते हैं, ठीक है। तो 6x लिख लिया, 5 की गुणा दोनों से होगी, 5x हो गया, और 5 की गुणा 2 से माइनस का 10 हो गया, ठीक है। और ये दोनों हमारे प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, जुड़ के हमारा 11x हो गया, माइनस का 10 लिख दिया। अब इसके आगे सॉल्व नहीं होगा, अब हम यहाँ पे वैल्यू रख देंगे, क्या लिखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, ठीक है, x बराबर 2 हम रख देंगे। तो रख देते हैं भाई, ये हमारा हो जाएगा 8, 11 गुणे 2 माइनस का 10, ठीक है, माइनस का 10, ठीक। अब 11 दूनी 22 में से 10 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 22 में से जब हम 10 घटाएंगे तो हमारा बचेगा 12, यही 12 जो है ये हमारा क्या है, आंसर आ गया है, ठीक है, 12 जो है वो हमारा क्या आ गया, आंसर। अब हमारा है चौथा क्वेश्चन, तो रफ कर लेते हैं, आपने पहला क्वेश्चन जो है वो कर लिया होगा, ठीक है, तो मज़ा आ रहा होगा ना, मज़ा आ रहा है तो लिख के कमेंट में लिखिए, हाँ मैम बहुत मज़ा आ रहा है, ठीक है। अब हमारा चौथा पार्ट, चौथा जो क्वेश्चन है वो है 4x माइनस का 1 और प्लस का 3x और फिर है 11, ठीक है, 11, ये हमारा इतना बड़ा क्वेश्चन है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा थोड़ा स्लोप में जा रहा है, ठीक है, प्लस का 3x प्लस 11, ठीक है, अब सही है, प्लस का 3x प्लस 11, अब सही है ना क्वेश्चन, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे सबसे पहले जैसे x का मान इस बार हम पहले ही रख देंगे, x बराबर 2 रखने पर, कोई ज़रूरी नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, सॉल्व करने के बाद भी रख सकते हो, पहले भी रख सकते हो, आपकी मर्जी है, आप कैसे करना चाहें, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले आपको भाई इंपॉर्टेंट बातें बता देते हैं, भाई अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपको तो पता ही है यूट्यूब पर टीचर्स की भरमार है, बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आपने आज क्लास देखी, ठीक है, सब्सक्राइब नहीं किया, आप दोबारा हमारी क्लास जो है वो देखना चाहते हैं तो ठीक है, तो आपको कम से कम 15-20 मिनट तो लग ही जाएंगे, हो सकता है इससे ज़्यादा भी लग जाए। कई बच्चे कहते हैं मैम मैंने 2-3 घंटे सर्च किया तब जाके आप मिली हैं, तो ठीक है, तो ये अपने टाइम वेस्ट करना बंद करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, इससे आपका ना पैसा खर्च होगा ना डेटा खर्च होगा, ठीक है, ये काम जो है अभी के अभी कर लो, वीडियो देखते टाइम ही कर लो वरना भूल जाओगे, ठीक है। अब वीडियो पसंद आए तो लाइक करके ज़रूर जाना, ठीक है, और आपको क्या करना है, खूब ज़्यादा शेयर करना है, प्लीज़ खूब ज़्यादा शेयर करो, और 8 बजे लाइव आना मत भूलना, वहाँ पे मैं बहुत सारी प्रैक्टिस कराती हूँ, सभी क्लासेस के लिए है, सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ आपके लिए है, सभी के लिए है। अगर आप किसी चीज़ की तैयारी, मतलब किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर रहे हैं तो उसके लिए भी वहाँ पे मैं बेसिक कॉन्सेप्ट, जो रूल्स वगैरह होते हैं, जो बेस होता है हमारा मैथ्स का, जो नींव होती है मैथ की, वो वहाँ पे समझाते हैं। अगर आपका बेस क्लियर होगा तो आपकी मैथ्स जो है बहुत अच्छी हो जाएगी, तो वहाँ पे मैं प्रैक्टिस कराती हूँ, तो आना मत भूलिएगा, सबके लिए है। साइंस आपकी इस चैनल पे पढ़ाई जा रही है, ये हमारा ब्लॉग चैनल है जिसमें मस्ती वस्ती आप लोग कहते हैं कि मैम अपने बेटे से मिलाइए, मिलना है तो इस चैनल पे मिल लीजिए, और शॉर्ट्स चैनल है, इस पर थोड़ी बहुत जो बोलने वाली जो कॉमन हमारी लैंग्वेज, हमारी लैंग्वेज हिंदी है, हिंदी में हम जो घर में कई बातें ऐसी होती हैं, हम बोल तो जाते हैं पर हमको समझ में नहीं आता इस चीज़ को हम इंग्लिश में कैसे बोलें, अगर आपको वो सीखना है, ठीक है, तो इस चैनल पे आ जाइएगा और टेलीग्राम में जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, सबसे ऊपर एक लिंक है उस पर जाइएगा। अगर आपके मोबाइल में टेलीग्राम नहीं डाउनलोड है, टेलीग्राम डाउनलोड करने लगा, आप सोच रहे हो टेलीग्राम क्या है, अगर आपको पता है तब तो बढ़िया है, नहीं पता है तो जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम, फेसबुक है, ऐसा ही हमारा टेलीग्राम है, तो वहाँ ज़रूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। और वहाँ पे बहुत सारी आपको क्विजेज़ वगैरह देते हैं प्रैक्टिस के लिए, वहाँ पे भी बहुत सारी प्रैक्टिस हमारी होती रहती है। तो चलिए क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 4 और 2 और मल्टीप्लाई में 2, यहाँ x था, x की जगह पे 2 कर दिया, माइनस 1 प्लस 3 इंटू x था, तो x की जगह पे 2 और प्लस का 11, ठीक है। अब हमारा क्या हो गया, 4, और इसको सॉल्व करते हैं, 2 दूनी 4 में से 1 गया, 3 बचा, ठीक है, 3 दूनी 6 हो गया और प्लस का 11, ठीक है, 3 चक्कू ये 12 हुआ और 6 और 11 हमारा कितना हुआ, 17 हुआ, ये हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ के 29 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा, और यही जो है हमारा आंसर हो गया,
पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना आप नहीं भूलेंगे।